हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लव गोल रूपा रानी। आप सभी को पता होगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो गया था 25 अक्टूबर को रात में 9:45 के करीब, और मुझे उस दिन पता भी नहीं चला, मुझे अगले दिन पता चला। और उसके बाद मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो 5 दिन के बाद वापस आया। अब कितने लोगों ने मुझे भला बुरा भी बोला, कितने लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, कितने लोगों ने मुझे मैसेज ये किया कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, कोई हेल्प की या फिर कुछ अगर मेरे से बन पाए तो मैं करूँगा इस तरह से। और यहाँ तक कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे वो हमेशा कह रहे थे ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो इतना मुझे बुरा फील हो रहा था। बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप अपने चैनल का ना मतलब TRP करने के लिए या फिर इसमें ना थोड़ा सा तड़का लगा करके आप ऐसे कर रहे हो, अपना चैनल खुद ही बंद कर दिए और खुद ही या फिर ओपन कर दिए 4-5 दिन के बाद, और फिर एकदम लोगों के सामने ऐसे बन रहे हो और इससे आपका मतलब सब्सक्राइबर जो है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। तो जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको ना बताऊंगी कि मेरा यूट्यूब चैनल क्यों डिलीट हुआ और कैसे वापस आया, पूरा प्रोसेस आपको शुरू से अंत तक आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये जानकारी मुझे लगता है आप लोगों को सुननी चाहिए और जाननी भी चाहिए। तो देखिए, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको पता है कि फीड कंटेंट है, साथ ही नोज़ लिपस्टिक या फिर आप कहो तो पूरा मतलब सब कुछ है इसमें। सिंदूर की वीडियोज़ भी आती है, हेयर कटिंग की वीडियो आती है, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए जो एक स्किन केयर हो, हेयर केयर हो या फिर सजना संवरना उसको बोलते हैं ना, उस तरह की वीडियोस मैं अपने यूट्यूब पे लेकर आती हूँ। और सबसे पहले बात कि मेरे साथ हुआ क्या था, 25 अक्टूबर की बात है, रात को मतलब ऐसा है ना कि मेरे घर में इतना ज़्यादा काम चल रहा है, कारपेंटर आ रहे हैं, खिड़कियाँ हैं तो गेट है, मैं अभी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ 10 अक्टूबर को ही गृह प्रवेश पूजा करके, फिर भी काम बहुत कुछ बाकी है। तो दिन भर काम करने वाले मजदूर लगे रहते हैं 4 से 5, और ठक ठक खटखट, मतलब सोने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही वो जाते हैं शाम में, फिर मैं पूरा घर साफ़ करती हूँ, उसके बाद खाना पीना की तैयारी करती हूँ, इतनी थक जाती हूँ मैं। इसी दौरान मैं ना जैसे ही बेड पे गई, सोची चलो अब मोबाइल देखती हूँ, लेकिन मेरी आँखों में इतना नहीं था। मैं इंस्टाग्राम ओपन करी तो वहाँ पे मुझे दो लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम आपका चैनल नहीं दिख रहा है, एक ने किया कि आपका वीडियोज़ नहीं दिख रहा है यूट्यूब पर। तो उसके जस्ट पहले मैं अपना YT स्टूडियो ओपन करी थी तो ओपन नहीं हुआ, तो मुझे लगा ना शायद नेटवर्क नहीं इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। YT स्टूडियो जिस पे हम लोग अपना YouTube का सारा वर्क करते हैं, मेरा एक आदत है सुबह जैसे उठती हूँ एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ पब्लिक सबको, उसके बाद फिर रात में भी सोने वक्त अगर मन किया तो एक और कर देती हूँ ताकि लोग सोने से पहले भी मेरी वीडियोज़ देख लें, शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो। ठीक है, लॉन्ग वीडियो ज़्यादातर मैं सुबह, और शॉर्ट वीडियो दिन भर में 2-3 मैं करते रहती हूँ। अब मैं जब रात को सोने वक्त YT स्टूडियो खोली, नहीं खुला, इंस्टाग्राम पे कमेंट आया मुझे कि आपका चैनल बंद हो, तो मैंने ना एकदम मतलब होता है ना कि मैं ध्यान नहीं दी, मेरी आँखों में इतना नींद था कि मेरी आँखें ऐसे बंद हो जा रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैं बस यही पूछी कि कौन सा चैनल ऐसे करके, और बस मोबाइल स्विच ऑफ करके मैं सो गई, क्योंकि मेरी आदत है ना जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है कोई अलार्म नहीं बजना अगले दिन तो मैं स्विच ऑफ करके सो जाती हूँ। तो मैं सो गई, जब सुबह उठती हूँ तो फिर क्या देखती हूँ कि मेरे YT स्टूडियो नहीं खुल रहा, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठती हूँ, उस दिन मैं 5 बजे भोर में उठ गई थी, अचानक से अपने आप ही नींद खुल गया। तो क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी आपको पता ही है, तो जैसे ही मैं देखी कि अरे मेरा YT स्टूडियो नहीं खुल रहा है, फिर मैं इंस्टाग्राम पे गई, वहाँ पे मुझे याद आया कि दो लोगों ने मुझे कुछ मैसेज किया था, तो मैं पढ़ने लगी कि आपका यूट्यूब चैनल नहीं दिख रहा है, आपका वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे नहीं दिख रहा है। मैं तो एकदम परेशान हो गई, YT स्टूडियो खोलती हूँ वो भी नहीं खुल रहा है, तब मैं मेल चेक करती हूँ, मेल पे दिख रहा है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो रिमूव्ड हो चुका है। तो इस तरह का मुझे कुछ मैसेज आया था जो मैं यहाँ पे बोल तो नहीं सकती हूँ, बट आप लोग पढ़ लीजिए। तो मेरा जो मतलब YouTube डिलीट करने का जो मतलब था यही था कि आपका जो YouTube है वो इसी कारणवश डिलीट हो गया है। ठीक है, ऐसा था। जैसे ही मैं वो मैसेज देखती हूँ ना, मेरा BP एकदम लो हो जाता है, मेरे शरीर में एकदम अजीब सा फील होने लगता है, मैं एकदम डर जाती हूँ। और उसके बाद YouTube जैसे ही खोलती हूँ तो YouTube तो पूरा बंद, मतलब YouTube ऑन ही नहीं हो रहा है, लिख रहा है कि नो। YT और YouTube दोनों पे आ रहा था कि आप अनदर चैनल ओपन करें, ये चैनल नहीं ओपन हो सकता है। मैं
एक मेल चेक करी, पूरा उसको पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपका चैनल डिलीट हो गया है तो मतलब पहले तो मुझे समझ में आया, लगा कि मेरा अब यूट्यूब ख़त्म, हमेशा के लिए ख़त्म। जल्दी से उठ के गई, हस्बैंड के पास गई, उनको उठाई, तो मैं अपने बच्चों के कमरे में सोती हूँ, मैं उनके पास गई और बोली कि देखिए मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, जल्दी देखिए ना। तो वो देखे थोड़ा सा, उसके बाद बोले कि चलो मुझे सोने दो, मैं इसके इसके बारे में बाद में देखूँगा, ऐसे करके। मुझे इतना गुस्सा आया कि मतलब इनको थोड़ा सा भी चिंता नहीं है कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है। उसके बाद फिर ना मैं दौड़े दौड़े छत पे गई, क्योंकि सभी लोग यहाँ सो रहे थे, भोर हो रहा था, 5 बजे, अंधेरा था, तो मैं सोची यहाँ बात नहीं करूँगी। मैं छत पे चली गई दौड़ के, अर्चना सागर को कॉल करी कि देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हो गया है। और उसको कहते कहते पता है मैं रोने लगी एकदम से, जबकि मैं बड़ी बहन हूँ उसकी, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा बात करके ना मैं रोने लगी। अब बोलो क्या बात है, तो ऐसा क्यों आ गया? तो फीड कंटेंट एक आता ही है उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी से मुझे मतलब डिलीट किया गया है उसी कैटेगरी में ही आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद फीड वीडियोस की वजह से या कुछ ऐसी वीडियोस तो मैंने अपलोड नहीं की। उसमें मैं बार बार सोच रही थी कि हो सकता है गृह प्रवेश वाली वाली जो मेरी पूजा की वीडियो, मतलब मैं किस दिन ना, हाँ करवा चौथ के दिन अपलोड करी थी, उसमें कोई बच्चा न्यूड तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से मुझे मिल गया, या फिर ऐसी हरकतें तो मैंने वैसे। और आपको पता है मैंने कभी ऐसा वल्गर जैसा कोई कभी कपड़े भी नहीं पहने या फिर कुछ भी मैंने नहीं किया कि मेरा वीडियो या फिर चैनल को ऐसा हो जाए, बहुत सोच रही थी। फिर मुझे याद आया कि एक बंदा है जो कभी कभी मुझे होता है ना कि बार बार कुछ लोग नेगेटिव लोग होते हैं जो बार बार बोलते हैं कि आपका चैनल अच्छा नहीं है, ये है वो है, मतलब भला बुरा करने वाले कमेंट बहुत करते हैं। मुझे लगा किसी लोगों ने रिपोर्ट तो नहीं मार दिया मेरे चैनल को, बहुत सारे लोगों ने, किसी की दुश्मनी तो नहीं, ऐसा करके बहुत सोच रही थी। या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही आजकल अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालने लगी, किसी ने नज़र तो नहीं लगा दी, ऐसा बहुत हो रहा था। अर्चना से बात करके जब नीचे आई, गुस्से में थी मैं, अपने हस्बैंड को अभी मैं चिल्लाती कि आप मतलब आप कितना आराम से सोए, मेरा चैनल डिलीट हो गया। फिर यहाँ मैं देखती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो मोबाइल में देख रहे थे कि अगर यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो देख रहे थे। तो मैं सोची चलो शुक्र है देख तो रहे हैं। तो मेरे पास मतलब यूट्यूब भी नहीं था कि मैं उसके बारे में सर्च करूँ कि चैनल को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे किया जाता है, मेरे पास था ही नहीं, हस्बैंड देख रहे थे। बोले चलो ठीक है, काफ़ी देर बैठे रही, मेरे शरीर में ना एकदम होता ना कि शक्ति ही ख़त्म हो गई थी, मतलब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त मेरे ससुराल से भी कॉल आया, मेरे सास माँ कॉल करी छठ पूजा करने के लिए कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या खरीदना है, कितना सूप खरीदना है, इस तरह से। और मेरे मन में इतनी घबराहट थी कि मतलब ये बुला रहे हैं कि आओ कैसे करना है। मैं बोली कि देखिए अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग को जो ठीक लग रहा करिए, मुझे अभी छोड़ दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं अकेले ऐसे जा करके बैठी हूँ, सोच रही हूँ, आँख में आंसू भरा हुआ है, ऐसी करते करते फिर हस्बैंड बोले देखो देख लिया हूँ कैसे कैसे उसको ठीक करना है, अपील करने के लिए आता है, मेल करना होगा यूट्यूब को, और तुम्हारे में 1 स्टार आया है, जिन लोगों का 3 स्टार आता है उन लोगों का चैनल बनना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे में 1 स्टार कुछ ऐसा बता रहे थे, तो तुम्हारा बन जाएगा, ऐसे करके अपील करना पड़ेगा। और उसी मेल में जो मुझे रिमूव वाला मेल आया था, उसमें प्रोसेस भी था कि बाय मिस्टेक अगर आपका डिलीट हो गया है चैनल तो वापस आ सकता है, संभावना है। और उसमें ये भी था कि जो मैंने कंटेंट यूज़ किया है उसमें कोई भी ऐसा वीडियो मतलब आपका होगा जो मतलब होता है ना किसी को उत्तेजित करने वाला काम कर रहा हो, या इस तरह से कुछ भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक भी कुछ आना नहीं चाहिए वल्गर जैसा। तो मैं बार बार सोच रही थी ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरे चैनल पे ऐसा कुछ हो गया है, बहुत बहुत परेशान थी। इसी तरह से ना मेरे मन में 4-5 दिन ऐसे ही मतलब बीत गया, और दीपावली भी नज़दीक आ गई। तो मेरे साथ ऐसा था ना कि बार बार मैं सोच रही थी कि आखिर किस वजह से, किसी ने मेरे चैनल को रिपोर्ट मारा है, या सच में मेरे चैनल पे कुछ गलत है जिसकी वजह से यूट्यूब ने मेरा चैनल बंद कर दिया, या फिर तीसरा कि किसी कोई मेरी कोई वीडियो में, गृह प्रवेश पूजा की कोई वीडियो में कोई बच्चा तो नहीं न्यूड ऐसे आ गया हो गलती से, और बाय मिस्टेक मैं ध्यान नहीं दी और अपना ही शक्ल निहारते रह गए लोगों का, और बच्चे पे ध्यान नहीं दी और वीडियोज़ में एडिट करके अपलोड कर दी। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में बहुत चल रही थी, ये भी चल रही थी कि अब मेरा यूट्यूब चैनल ख़त्म, अब मेरा कहानी ख़त्म, अब मैं नहीं रहूँ, अब मुझे फिर से चैनल बनाना पड़ेगा। तो मैं इंस्टाग्राम पे आई थी जब मेरा चैनल डिलीट हुआ, उसके अगले दिन ही मैं बोली कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है, सबसे पहले तो अपने हस्बैंड से बात करूँगी, अगर उनसे बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक देव साहनी सर हैं, टेक्नो गुरुदेव, और वो बनारस के ही हैं। इत्तेफाक से मेरा जो एक और चैनल है वो मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं उनसे बात भी करी थी और मेरा चैनल भी बना दिए थे और मेरा मोनेटाइजेशन वापस भी आ गया था, बट उसमें अभी तक मैंने ना पैन कार्ड और मेरा नहीं लगेगा उसमें, तो मेरे हस्बैंड का लगेगा, तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, जैसा कि हम लोग अपने घर बनाने में बिजी थे तो उनके पास बिल्कुल समय नहीं था।
तो उन्होंने अभी तक पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड ये सब कुछ ऐड नहीं किए हैं। तो वो वाला जो चैनल है मेरा एक, और मतलब ये नोजरिंग से रिलेटेड वीडियोस उस पे आती है, तो वो वाला चैनल भी मोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम फिर से आ गया। मतलब मोनेटाइजेशन ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसमें एड्रेस फिल वगैरह नहीं है, क्योंकि उसमें भी डॉलर मेरा $30 बन चुका था। तो वो चैनल भी मेरा कोई काम का नहीं है क्योंकि पैसे बन नहीं रहे हैं, तो उस पर अपलोड नहीं कर रही थी। ये चैनल भी डिलीट हो गया, तो बहुत मायूस हो गई थी मैं। तो मैं सोची वही सर से बात करूँगी, वो तो बना ही देंगे, ऐसा था। तो ये मन में चल रहा था मेरा, इधर बीच मेरे मन में था ना कि पहले से जब मेरा चैनल बना बनाया था तो मैं ये सोच रही थी ना कि इस बार मेरी अगर सैलरी आ रही है यूट्यूब से, तो मैं ना, मेरे पास मंदिर नहीं था, पता ही है कि मैं किराए घर में रहती थी, तो मेरे पास मंदिर नहीं था। कहीं भी रैक पर पे भगवान जी के फोटो वगैरह रख करके ऐसा पूजा कर लिया करते थे। लेकिन मेरे मन था कि नया घर आएगा तो मैं एक आलमीरा जैसा जो मंदिर होता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े घरों में लगते हैं, तो मैं सोची थी कि वो ले लूँगी, 10 या 15 हज़ार तक में मिलेगा। तो मेरा इतना ही बजट था और इतना से ज़्यादा मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैं सोची थी वही लूँगी। लेकिन इधर बीच जब मैं अपने नए घर में आई तो देखी हूँ मेरे बच्चों के लिए कुछ बहुत चीज़ें ज़रूरी, जैसे कि वो आलमीरा नहीं है जिसमें कपड़े रखे जा सकते हैं, या फिर मैं देखी हूँ मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है क्योंकि मुझे तैयार होने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरे मन में आया कि इस बार क्यों ना या तो अपने लिए ड्रेसिंग ले लेती हूँ, या तो बच्चों के लिए आलमीरा ले लेती हूँ, भगवान जी का मंदिर में अगले मंथ लूँगी, ऐसा मन में बहुत चल रहा था। फिर ऐसे सोचते सोचते ना मेरा ये चैनल ख़त्म, और जैसे ही मेरा चैनल ख़त्म हुआ तो मैं सोचने लगी कि जो भी हो, अब तो मेरे पास पैसे आने के रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, भगवान जी का मंदिर ले लेती हूँ। जो होगा आगे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, या तो भगवान मेरा चैनल वापस कर देंगे, तो मैं बात का देखूंगी, लेकिन भगवान जी की पूजा करने का जो चीज़ है, दीपावली आ रहा है, मैं वो ज़रूर लूँगी। तो ऐसा सोची थी, और दीपावली था 31 को, 30 तारीख को मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने दीपावली में, और मंदिर पसंद की। जाते जाते सबसे पहले हम लोगों ने ना मंदिर पसंद किया। मंदिर जब पसंद कर ली तो वो बोले कि उसमें जो ट्रायंगल ऐसा लगता है मंदिर के ऊपर ऐसे ऐसे, तो मैंने बोला कि वो आप लगा दीजिए, तब तक हम लोग यहाँ पास में ही कुछ खा करके आते हैं। तो हम पास में ही ना डोमिनोज का पिज्ज़ा था, नया नया शॉप खुला था, तो वहाँ हम लोग गए। खा के जैसे ही वापस आया ना, तो हम लोग बोले कि ठीक है बन गया, तो उन्होंने दुकानदार ने बोला कि हाँ मंदिर बन गया है। तो वो बोले कि ठीक है वहाँ, मैं बोले कि QR दे दीजिए, क्योंकि पेमेंट मुझे ही करना था, जो मंदिर था वो 4,500 रुपये का था। तो ये बोले कि ठीक है पेमेंट कर दो। तो मैं अंदर जैसे ही गई, उसी दौरान मेरा चैनल वापस आ गया था। आप सोच लो कि उसी टाइम वापस आया था जब मैं पेमेंट करने के लिए अंदर घुसी, और जब मैं पेमेंट कर रही थी ना, तो जैसे होता है कि चलो पहले पासवर्ड खोलो ठीक है मोबाइल का, उसके बाद आप फ़ोन पे जाओ, फिर उसका पासवर्ड खोलो, फिर उसके अंदर जाओ, QR सेलेक्ट करो, मतलब उसी दौरान मेरा चैनल वापस आया। आप सोच लो वो टाइमिंग क्या थी, जब मैं मंदिर खरीद रही थी भगवान जी के लिए, और जैसे ही मैं पेमेंट कर रही थी ना, पेमेंट कर दी नंबर ऐड करके, वैसे ही अर्चना का कॉल आया। तो मैं सोची वो कॉल क्यों कर रही है, तो मैं पेमेंट कर दी, तब तक मैं उसका कॉल कट चुका था। फिर उसने कॉल किया, तो फिर मैं उठाई, बोली कि हेलो क्या हुआ, तो बोली दीदी तुम्हारा चैनल वापस आ गया। मैं बोली वापस आ गया, जल्दी से उसका मोबाइल पहले तो मैं स्पीकर में करी, उसके बाद जल्दी से YT स्टूडियो खोली, हाँ ओपन हो गया, यूट्यूब खोली, हाँ ओपन हो गया। मैं तो एकदम खुशी की एकदम बड़े एकदम पागल हो गई, बोली कि थैंक यू अर्चना, थैंक यू, तुम तो एकदम मुझे बहुत अच्छा खुशी का बात सुनाई हो, थैंक यू, तुम्हारा हर चीज़ मनोकामना पूरा। मतलब मेरे मन से उसके लिए दुआ निकल रही थी कि मेरा चैनल वापस आ गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हस्बैंड को बताया कि अरे मेरा चैनल वापस आ गया, वही पास में ही खड़े थे। और मैं बोली कि देखिए ना मंदिर खरीदते ही वापस आ गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा चैनल वापस आ गया। उसके बाद मैं लाइव आई और लोगों को बताई, तो जो लोग बोल रहे थे ना कि आपका चैनल डिलीट नहीं हुआ, आप झूठा मतलब बोल रहे हो ताकि आपका चैनल का मतलब प्रचार हो, आप और ज़्यादा फेमस हो, आपसे लोग और जुड़े, मतलब आप अपना सिंपत्ति लाना चाहते हो, दिखा रहे हो आप लोगों को ऐसे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सबूत भी दिखा दी कि चैनल रिमूव कैसे हुआ, ठीक है। और जब वापस आया ना तो भी एक मेल आया था, तो ये मेल आप यहाँ देखिए कि ये मेल में क्या लिखा हुआ है, कि बाय मिस्टेक मेरा जो चैनल है वो डिलीट हो गया था यूट्यूब की तरफ से। तो जो भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे जिनको मेरे से दुश्मनी हो, मेरे चैनल से दुश्मनी हो, वो लोग मेरे वीडियोस पे ला करके रिपोर्ट किए हों, और जिसकी वजह से भी मेरे, जैसे कि आता है ऑप्शन आता है कि आप इस चैनल को रिपोर्ट क्यों मार रहे हैं, तो उसमें आपका हो सकता है कि सेक्स और न्यूडिटी के खिलाफ आप चैनल को रिपोर्ट मार रहे हैं, तो लोगों ने ऐसा भी किया होगा। क्योंकि कुछ लोग मेरे चैनल पर आ करके कुछ गलत गलत कमेंट्स भी करते रहते हैं, और अभी कंटिन्यू 10 दिन पहले, जब 15-20 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा हो सकता है कुछ लोगों ने भी शरारत की होगी, या फिर मेरी गलती होगी वीडियोस में, या तो फिर यूट्यूब की गलती होगी। लेकिन यहाँ पे जो भी हुआ कोई बात नहीं, मेरा चैनल वापस आ गया, और
इन 5 दिनों में मेरी क्या हालत थी वो मैं ही जान रही हूँ। इतनी दुखी थी, भगवान जी के पास पता बैठ करके ना ऐसे करके रोती रहती थी, हम और राधा कृष्ण बोलते रहती थी। भगवान का इतना सारा पूजा करी, इतना सारा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा। और अब राधा कृष्ण की एकदम दीवानी हो गई हूँ, पूजा करती हूँ रोज़ रोज़ पूजा करती हूँ। पता है इस साल से मैं हमेशा पूजा कर रही हूँ, और पहले नहीं करती थी। आप सोचते हो ना कि पहले नहीं करती थी, या जो अभी कह रही हो, तो सच बताऊँ तो शादी के बाद मैं इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं पूरा घर का काम खत्म करके नहा करके पूजा करूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। और अब मेरी बेटी स्कूल जब से जाने लगी है ना, तो वो पूरा दिन खाली रहता है, तो मैं ना घर के सारे काम खत्म करके नहा करके और पूजा करने बैठती हूँ, और पूजा करके ही फिर मतलब कि मैं खाना वगैरह खाती हूँ, या फिर पूजा करने के बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ कंटिन्यू। ये साल मेरे लिए ना बहुत अच्छा था कि मैं पूजा करने में भी मन लगाई, और इसके बाद मेरा चैनल पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा मेंबरशिप मैंने ज्वाइन किया, मेंबरशिप लोग ले रहे हैं वीडियोस के लिए। और मेरी जो जुलाई मंथ से मैं मेंबरशिप ऑन करी हूँ, और लोग मेरे चैनल से जुड़ भी रहे हैं। और मेरी जो पहले जो यूट्यूब की अर्निंग थी, वो पहले ना 3 महीने में आती थी, 3 महीने में। फिर इस साल से क्या हुई ना, पता नहीं जो भी हुआ, 2 साल 2 मंथ में ही मेरा जो पेमेंट है वो आने लगा, 2 2 मंथ में आने लगा। और कितना पेमेंट आता है मैं क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा तो पेमेंट नहीं आता है, बट जो भी आता है मेरे लिए बहुत है। और इधर बीच जब से मैं मेंबरशिप वाला ज्वाइन का बटन ऑन करी हूँ, तब से जितने भी मेंबर्स लोग ले रहे हैं, तो मेरी जो है ना वो मंथली आ रही है सैलरी, तो इतना आता है ना कि मैं अपने शौक पूरे कर सकती हूँ, बस इतना। बड़े बड़े शौक नहीं, छोटे छोटे शौक जो होते हैं लेडीज लोग के, वही वाले शौक मैं पूरे कर लेती हूँ। तो यही थी मेरी चैनल की प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन मेरे हस्बैंड ही किए थे। तो हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि कैसे किए थे, तो उन्होंने वही अप्लाई किया था। और जैसा कि मेरा 25 को चैनल डिलीट हुआ, 26 को ना शनिवार पड़ रहा था, तो वो बोले कि शनिवार को नहीं करूँगा, शनिवार दिन ख़राब जाता है। तो रविवार को यानी 27 तारीख उन्होंने अपील करी थी, मेल किया, उसमें बहुत सारा मेल करने का जो भी प्रोसेस था ना, वो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर लोग बता देते हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आपको बता देंगे। तो वैसे ही हम लोग देख देख करके किए थे, और वही मतलब 5 दिन का प्रोसेस लगा, और फिर मेरा चैनल वापस आ गया। तो इसमें मेरे मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला तो हस्बैंड है। मैं हमेशा बैठ करके ऐसे परेशान हो जाती थी कि मेरा चैनल कब आएगा, मेरा नहीं आएगा क्या, कब आएगा। आ जाएगा, आ जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा। तो इन्होंने भी बहुत ढाढ़स दिया था। उसके बाद जब मेरी सिस्टर भी मुझे कॉल की, मम्मी भी कॉल की, दोनों सिस्टर मेरी रेनू अर्चना की, आ जाएगा दीदी, आ जाएगा। यहाँ तक कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यहाँ तक कि जो सेकंड वाला चैनल था वहाँ पे भी लोग पूछ रहे थे आपका चैनल को क्या हो गया, क्यों डिलीट हो गया, ऐसे करके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। बहुत सारे लोग अपने अपने जैसे होता ना कि जवाब दे रहे थे कि शायद ये प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम हो, इस तरह से। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके चैनल पे क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है, लेकिन मैं नहीं समझ रही थी कि मैं सबको क्यों बताऊं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। जो होना था वो तो हो ही गया, वापस आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, लेकिन जब अब मेरा चैनल वापस आ गया, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और ये शायद भगवान पे एक विश्वास के कारण ही हुआ है, तो भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ और आगे भी करूँगी कि मेरा चैनल अच्छा रहे। और अगर कुछ हो भी जाता है, तो उससे भी मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। अभी भी इतना कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ पहचान रही हूँ लोगों को, कौन दुख में है मेरे साथ और कौन सुख में है मेरे साथ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं जिन लोगों ने मेरा प्रॉब्लम देखा भी होगा कि मेरा चैनल डिलीट हो गया, लेकिन बहुत लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। लगता है ना जैसे कि किसी को सांप सूंघ जाता है, या फिर बोलता है कि ऐ जाना दो, तो ऐसा बहुत से लोग हैं जो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है आई थिंक दीपावली में बिजी होंगे, लेकिन ये मेरे लिए ना एक जॉब है यूट्यूब, और इस पर जब मैं काम करती हूँ, बहुत मेहनत भी करती हूँ, तब जा करके कुछ पैसे आते हैं, तो ये पैसे मैं अपने ऊपर और अपने बच्चों और अपने घर में खर्च करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी कि मेरा चैनल डिलीट हो गया, लेकिन वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की, और मेरे भगवान जी ने बहुत विश्वास करी, तो वो मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिए, और इससे आगे क्या ही कहूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो या आगे हो जाएगी तो प्लीज़। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ पूछना रह गया हो, तो आप फिर भी पूछ सकते हैं।